पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वे यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बने हैं या धरना प्रदर्शन के मुखिया हैं, यही तय नहीं हो पाता है। विकास से कोई मतलब नहीं। दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी का विकास केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें, इन भावनाओं से और इन कार्यक्रमों से ने कोई मतलब नहीं रहा। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बेमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बनी थी, आज कैसे उसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के लिए उतावली दिखाई दे रही थी। आपने चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए हो रही कवायद को दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने देखा है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में अगर राजनीति मूल्यों और आदर्शों के बगैर होती है तो मान के चलिए कि राजनीति समाज के लिए भी घातक है और राष्ट्र के लिए भी घातक है। आज पूरे देश के अंदर विगत दो महीनों के दौरान कमोबेश सभी राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पश्चिमी बंगाल में मैं देख रहा था, इतना बड़ा, इतनी भीषण गर्मी है, आप लोग यहां पे मुझे बताया गया पिछले 5-6 घंटों से खड़े हैं। मेरे कार्यक्रम पहले से ही अन्य जगह लगाए थे लेकिन मुझे बाद में यहां पर आना पड़ा। लेकिन बंगाल में मैं वर्धमान की एक सभा में गया, वहां के कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया कि एक घंटा थोड़ा लेट हो जाते, तो मैंने कहा मुझे 4-4 सभाएं वहां करनी है, फिर वापस लखनऊ में मेरे कार्यक्रम लगे हैं। उन्होंने कहा एक घंटा, मैंने एक घंटा लेट किया। जब मैं वर्धमान की सभा में पहुंचा, 50,000 की भीड़ थी, पंडाल नहीं, लोग जमीन पर बैठे थे, भीषण धूप थी। सभा के बाद मैंने पदाधिकारियों से पूछा, मैंने कहा भी कितना उत्साह लोगों में है और आप एक घंटा लेट क्यों कह रहे थे मुझे? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने सभा स्थल से 10 किलोमीटर दूर पार्किंग की व्यवस्था करवाई है, वहां से पैदल सभी लोग आए हैं और फिर हमें पंडाल तक नहीं लगाने दिया। उन स्थितियों में भी संघर्ष करते हुए बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ही गूंज है, एक ही नारा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, ये मोदी सरकार की गूंज अचानक नहीं आई, पूरे देश के अंदर यह आवाज अचानक नहीं आई है, सरकारें बहुत आई हैं। 1947 से लेकर के लगातार इस देश ने सरकारों को देखा है। पहली बार आपको लगा होगा विगत 5 वर्ष में वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान, और उसके उदाहरण भारत की विरासत और भारत की परंपरा को जो सम्मान मिल रहा है। योग को दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, भारत की योग की परंपरा दुनिया के 193 से अधिक देश एक साथ योग की परंपरा के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत की ऋषि परंपरा के साथ जुड़ करके वह भी गौरवान्वित महसूस करता है। जिस योग को दुनिया अपने नाम पर पेटेंट करा रही थी, मोदी जी ने एक झटके से विश्व योग दिवस को भारत के नाम करके योग की परंपरा को भारत की 130 करोड़ जनता के नाम जोड़ दिया है। और आज दुनिया जब भी योग के साथ जुड़ती है तो भाइयों बहनों, योग की परंपरा अपने आप में भारत की परंपरा बन जाती है। आपने देखा होगा कुंभ की परंपरा, इस बार प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, हजारों वर्षों से कुंभ के आयोजन हो रहे हैं लेकिन कुंभ के आयोजन को वैश्विक मान्यता मिले। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली से, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है, वो बिजी रहते हैं धरना देने में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।